हमारे जानवरों को नजर से बचाने के लिए ये हम लगाते हैं। हमारी जिंदगी में चार हिस्से, एक जो है हमारी फैमिली, दूसरे जो है हमारे जानवर, तीसरे जो है हमारे दोस्त और उनके जानवर, और चौथी जो बहुमूल्य कीमती चीज जो है वो हमारे गाड़ी में ही पड़ी हुई है। ये हो गया होगा पूरा चार्ज, ये हो गया होगा फुल चार्ज। क्या टाइम हो रहा है देखो, 12 बजने आ रहे हैं और अब जा रहे हैं हम गोट रूम में। फुल जा सिम सिम, माशाल्लाह फुल साफ। इसको रख देते हैं इसकी जगह पे, मगर चालू कर दो पहले। ये हो गया चालू। वेलकम टू सर्जी म्यूजिक वर्ल्ड, शुरू हो म्यूजिक प्ले मोडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. आवाज़ कम करने से बहुत ज़्यादा है। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हमारे जो गोट रूम में है सवेरे और शाम सूर्य बकरा, आयतल कुर्सी, ये सारी चीजें चलती रहती है। इसकी चार्ज खत्म हो गई थी इसके लिए मैंने ले गया, तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए ये चीज सही हो गई। चलो शुरू करते हैं। कैसे हो तुम? अरे मेन तो उधर है, उसे देखना है, उसे देखना है। कल सवेरे 6:30 बजे उठा था मैं। 6:30 बजे उठने के बाद डायरेक्ट गोट रूम में आया, गोट रूम सारी चीज़ें चेक किया, वहाँ पे सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर नहीं था, दवाइयाँ दी मैंने सारी की सारी उसको, सारी चीज़ें की, और फिर हम लोग निकले थे यहाँ से 10 बजे के आसपास। कल दिन भर में सिर्फ एक ही बार टेम्परेचर चेक हुआ है, टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, बाकी जो एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं वो दे देते फटाफट। किसका फ़ोन आ गया, देखते भाई। एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं और सारी चीज़ें करते भाई। सारे जानवर जो है भूखे हैं, 12 बजने आ गए आज हमें सवेरे का फीड डालते डालते। वेट करो, बस वेट करो। रैम्बो टाइसन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? तुमको बाहर देता हूँ, रुक जाओ। यार तो फुल बारिश चालू हो गई, वो भी फुल जोर में चालू हो गई। बाप रे, इन दोनों को मैंने सोचा था कि बाहर लूँ, मगर अब बाहर नहीं ले सकते, बारिश में कैसे बाहर लेंगे भाई। बाकी हमने देखो टेम्परेचर तो हमारी नई वाली जो फीमेल है सुखिया, उसका चेक कर दिया, उसको टेम्परेचर तो नहीं है। बाकी सारे जानवरों को हम लोगों ने फीड डाल दिया, ये देखो माशाल्लाह, दे ऑल आर ईटिंग। और यहाँ पे क्या हो गया, क्या बात है भाई? रैम्बो तुमको नहीं खाना है, टाइसन ही खा रहा है सिर्फ, तुम नहीं खा रहे हो, खाओ भाई। ये लोग फीड खाएंगे जब तक हम दूध निकाल लेते हैं सुखिया का। बारिश तो फुल तूफानी वाली हो गई है शुरू। चलो हम भी तो खाना खा लेते हैं, हमारा हमें भी तो भूख लगती है, रात के खाए थे हम वहाँ पर, 8 बजे निकले थे जब। बस तो काफ़ी टाइम हो गया भाई। इट्स 12 इन द आफ्टरनून एंड टुडे इज फ्राइडे एंड आई हैव टू गो टू द वर्ल्ड ऑफ एक्शन। ये देखो कहाँ बैठी हुई है, क्या आँख थी यार इसकी, डबल कलर में। हाँ हमारा तुअर भूसा तो पूरा ख़त्म हो चुका है, और हमने तुअर भूसा जो है लाया भी नहीं है। किस वजह से नहीं लेके आया, क्योंकि हमें तुअर भूसा नहीं लाना था और हरी पत्ती लेके आ रही थी, बहुमूल्य कीमती चीज़ जो है वो हमारे गाड़ी में ही पड़ी हुई है। मैं बाहर तो चले गया हरी पत्ती लाने के लिए, मगर कार की चाबी नहीं लिया, ये यहाँ रखी है। इतने सारे एक्स्ट्रा पोते भी लेके आ गया मैंने, ये क्यों लेके आया ना, इसकी वजह बताता हूँ तुमको। सबसे पहले तो ये निकालते हैं बहुमूल्य कीमती चीज़। चलो भाई, ये बहुमूल्य कीमती चीज़ इसमें समा गई है, और जो दूसरी बहुमूल्य कीमती चीज़ है वो अभी हम लाने जाएंगे हमारे कार से, वो हमारे लिए पर्सनली बहुमूल्य कीमती चीज़ है फिलहाल अभी के लिए, वहाँ से तो हमने फ्री लाई है। वो है ये गोनिया, और वो क्यों बहुमूल्य कीमती है बताता हूँ। इसे फिलहाल रख देते हैं यहाँ पर, मगर ये यहाँ पर नहीं देंगे, इसको अंदर डाल देंगे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है फिलहाल अभी के लिए। तुम लोग भी सोचते होंगे क्या बहुमूल्य बहुमूल्य लगा दिए मुस्लिम भाई ने सवेरे 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 भागम दौड़ी वाले काम हो रहे हैं हमारे। इनोवा की हालत देखो अभी, ये देखो अभी फिर साफ करवाना पड़ेगा। कल घर इसको देखते ना तुम लोग, वीडियो फॉरवर्ड करके चले जाते, पूरा भरा हुआ था ये सब, पूरा भरा हुआ था। अभी फिलहाल इसको बंद करते हैं, अभी शाम में एक्शन वाली दुनिया में जाना है, उसके पहले से साफ करवाना पड़ेगा पूरा मेल जो है, नहीं तो हमारे जो है आउटफिट पे आ जाएगी, बैठ जाएगी पूरी, आ जाएगी क्या, पूरी बैठ जाएगी। ये भी एक गोली आ गई हमारी, लाइट चालू कर देते हैं। इन सब को जो है यहाँ रख देते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास पहले की है। चलो भाई अंदर घुस जाओ सारे के सारे। ये बहुत बढ़िया,
ये हो गया हमारा काम एकदम बढ़िया वाला। ये हमारे लिए क्यों बहुमूल्य है? ये हमारे लिए बहुमूल्य क्योंकि हमको कुछ ही दिन में इसकी जरूरत पड़ने लगी। जरूरत पड़ेगी कब? जब जमजम फारिग हो जाएगी तब, उस वक्त में, और वक्त के बाद भी काफी इनकी जरूरत पड़ेगी। वो तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा जब हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। क्यों जमजम, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ मैं? अभी तो फिलहाल तैयारी करते हैं एक्शन वाली दुनिया में जाने की, क्योंकि एक्शन वाली दुनिया के फोन्स वगैरह सब कुछ चालू हो गए। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं, जिन जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं हमारे से, उनको तो पता है, मगर जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, एक्शन वाली दुनिया जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो मैंने कभी बताया नहीं, ज़्यादातर नहीं बताया, बाकी बहुत लोगों को तो इसके बारे में पता है। हमारी ज़िंदगी में चार हिस्से, एक जो है हमारी फैमिली, दूसरे जो है हमारे जानवर, तीसरे जो है हमारे दोस्त और उनके जानवर, और चौथी जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है वो है हमारी एक्शन वाली दुनिया। एक्शन वाली दुनिया के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत कुछ है उसके बारे में बताने के लिए, मगर जब हम एक्शन वाली दुनिया पूरी तरीके से छोड़ देंगे उस वक्त बताएंगे आपको। बाकी छोटे मोटे ग्लिम्स तो मैं देते ही रहता हूँ। फिलहाल जो है हमारी दोनों बहुमूल्य कीमती चीज जो है वो हमारे पास आ गई है, एक गोट रूम में आ गई है और एक बाहर। ये देखो हमारी बहुमूल्य कीमती चीज, इसे लॉक करके रखना पड़ेगा। फिर एक भारी वाला लॉक लेके आते और इसको लॉक करके रखते, बहुत ही कीमती है भाई। ये हमारी गाड़ी निकल गई है और साफ सफाई होने लगी है इसकी। भाई तुम जा रहे? चलो 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 चलो। लो जी ये आ गई हमारे गोट रूम में फिर से हमारी बरसीन। हमारे गोट रूम में बरसीन की फिर से री एंट्री हो चुकी है। साउंड लगा देते हैं, सवेरे भी एक बार चार्ज करते हैं, शाम में भी एक बार चार्ज करते हैं, क्योंकि ये चलता ही रहता है 3-4 घंटे कंटिन्यू, जब तक तारे आयाते कंप्लीट ना हो जाए। चलो सही है, वॉल्यूम कम कर देते हैं, ये सही है। सवेरे शाम यही चलते रहता है जब हम फीड डालते हैं जानवरों को, और यहाँ से निकल जाते तब भी ये चलते ही रहता है। हमारे जानवरों को नज़र से बचाने के लिए ये हम लगाते हैं, और आप लोग जो देखते हैं, आप लोग जो देख के जानवरों को हमारे माशाल्लाह बोलते, हमें लगता है उससे हमारे जानवर सारे जो है फिट एंड फाइन रहते हैं, फीड वगैरह एकदम प्रॉपरली खाते हैं। हमारे जानवरों को नजर से बचाने के लिए हम ये करते हैं। सूरे बकरा, आयतल कुर्सी और कितनी सारे सूरे आयाते हैं उसमें, कंटिन्यू चलते रहते हैं, कंटिन्यू सुबह और शाम दोनों वक्त। अब जब हम वाइंड अप के लाएंगे तब उसे लेके चले जाएंगे। ओए आई जंपिंग वाली गोट, चलो आ जाओ सामने आ जाओ, फीड देते हैं तुमको। सारे फीड के लिए वेट कर रहे हैं। गोट रूम की साफ सफाई तो मैं पूरी करके चला गया, एवरीथिंग इज ओके, और इनका टेम्परेचर भी जो है टेम्परेचर भी नॉर्मल है, मगर इन्हें हम हरी पत्ती पे ही खिला रहे हैं, बहुमूल्य कीमती हरी पत्ती। चलो भाई एवरीबॉडी गॉट बिजी इन देयर फीड्स, अब हम निकलते हैं यहाँ से, वाइंड अप के लाएंगे और तैयारी करते हैं एक्शन वाली दुनिया में जाने की। चलो भाई फीड कंप्लीट कर लेना फटाफट, झटपट फटफट फटाफट। और आप लोग जब भी हमारे जानवरों को देखोगे और किसी के भी जानवरों को देखोगे माशाल्लाह जरूर से बोलना। अरे जाओ तुम अभी तक गए नहीं अंदर, जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ, वहाँ कब भाग रहे? जाओ 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 जाओ, शाबाश। ये देखो ये माही क्या कर रही है यहाँ पे। मस्ती चालू है माही की अकेले। अभी कुछ देर पहले मुझे बोल रही थी कि अब्बू रैम्बो टाइसन को खोलो, मैं बोला मुझे एक्शन वाली दुनिया में जाना है, मगर 10 मिनट के लिए खोल के दे देते हैं। शाम के 7:15 हो रहे हैं, जब तक मैं वाइंड अप करूंगा तब तक वो रैम्बो टाइसन से खेल लेगी। बाहर आ रहे थे तुम ना, मैं देखा तुमको। चलो जाओ खोल लो रैम्बो टाइसन को, जाओ। अच्छा भाई आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, जाओ बोलो, को ही पता है बाहर जाना है, डायरेक्ट बाहर निकल गए। देखो चलो मैं ये बंद कर देता, खेलो तुम थोड़ी देर, ठीक है। और ये बरसी हम अंदर लेके जाते हैं। अरे फिर आ गए तुम यहाँ पे, बहुत दिन के बाद बरसी मिली तो कैसे खा रहे हैं देखो ये लोग। चलो खाओ आराम से खाओ, ये लोग भी अंदर आ गए। हमारा गोट रूम का सारा काम हो चुका है, अब हम निकलेंगे यहाँ से, बढ़ते हैं आगे के काम के लिए। रात के 3:15 हो गए, गोट रूम से निकले हम, एक्शन वाली दुनिया के काम में इतने व्यस्त हो गए कि अब टाइम मिला है हमें व्लॉग करने का। घर जाते हैं फटाफट और आराम करते हैं, आराम करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये व्लॉग को यही पेंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। गोट रूम में से निकलने के बाद बिजी होगा मैं एक्शन वाली दुनिया के काम में भी और दूसरे वाले काम में भी, और दूसरे वाले काम में जो बिजी हुआ हूँ ना मैं, आप लोगों की दुआ चाहिए उसके लिए, दुआ करना उसके लिए वो हो जाए सही से। चलो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय वंस अगेन। चलो भाई ब्लॉग करते करते 3:16 हो गए।